तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में आप बात करने वाला हूँ कि कस्टम इंक्वायरी आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी के पास अपना चैनल लिंक भेजते हैं, तो कुछ इस प्रकार से कस्टम इंक्वायरी आपका लिंक चैनल जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू करके ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा उस पर लिखा रहता है, तो इस प्रकार से कुछ जिसके पास भेजते हैं तो जाता है। तो दोस्तों, आखिर उसको चेंज कैसे करेंगे, कस्टम इंक्वायरी बनाते कैसे, जब बना लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका कस्टम इंक्वायरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा कि कस्टम इंक्वायरी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए। कस्टम और बनाने से पहले आपको 30 दिन चैनल पुराना होना चाहिए, और दूसरा आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होना सबसे जरूरी है, और तीसरा पॉइंट यह है कि आपके चैनल पर एक लोगो लगा होना चाहिए, और चौथा कि आपके चैनल के पीछे बैनर लगा होना चाहिए, तभी आप अपने चैनल के URL चेंज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक एजुकेशन 0.5। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज पर आ जाना। क्रोम ब्राउज पर आ जाने के बाद आपको ऊपर सामने 3 डॉट आपको दिख रहा है आपके लोगो के ऊपर, तो आपको उस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर डेस्कटॉप साइज कर लेना। कर लेने के बाद आपको फिर से सर्च बार में जाना है। यहाँ पे सर्च बार में आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है studio.youtube.com, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद आपको आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सेकंड नंबर, नीचे से सेकंड नंबर जो है आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फो जो 3rd नंबर में है, इधर से 3 नंबर एंड 3rd नंबर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो कस्टम URL है ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, जब आपके आपने सेट नहीं किए होंगे अपना कस्टम URL। तो आप देख सकते हो उसके नीचे में आप लिख रहा है सेट है कस्टम URL, आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका चैनल पे जो URL था वो अपने आप अपने चैनल नेम ही ले लिया है, आपको जो चैनल नेम है उसमें URL में ले लिया है, URL अपने से ले लिया था। दोस्तों, आपको क्या करना है कि नीचे आ जाना है, जो सेकंड नंबर पर आप क्लिक करना है, पहले चेक कर लेना कि ब्लू टिक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पर ब्लू टिक लग गया, यानी इस नाम से कोई अदर क्रिएटर नहीं बनाया। तो आपको जब तक ब्लू टिक नहीं मिलेगा तब तक आपको क्या करना है कि आपके चैनल के नाम कुछ एक दो डाल के चेक कर लेना है कि अगर ब्लू टिक आ जाता है तो आप सेव कर लेना, ठीक है। तो आपको इसके आप क्या करना है, आपको ऊपर पब्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, हो जाने का क्योंकि मेरा हो गया, ठीक है। तो पब्लिक पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको सामने आएगा, ठीक है। बस ये बोल रहा है कि कंफर्म है, आप इससे सहमत है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने अब आपको क्या करना है, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद अब आपको थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका कस्टम URL बन के रेडी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।